जय हिंद फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब घर में बहुत स्वस्थ होंगे। जेई एडवांस में लगभग 10 दिन बाकी हैं, तो 10 दिन आपको किस तरीके से बिताने चाहिए, मेरे कुछ सजेशन हैं, उम्मीद है आपकी कुछ मदद हो सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि अब कोई नई चीज़ तो आपको पढ़नी नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं, लेकिन एक मुख्य बात यह है कि आपको एनसीईआरटी एक बार और रिवाइज कर लेनी ही चाहिए, क्योंकि ये बात तो साफ है कि जो पेपर का मॉड्यूल होता है, पेपर के जो क्वेश्चंस होते हैं, उनका बेसिस एनसीईआरटी ही होता है। हर टॉपर यही बात बार बार दोहराता है कि जो पेपर था वो बिल्कुल एनसीईआरटी से ही आया था, बशर्ते कि हम सारी एनसीईआरटी को ढंग से एक बार पढ़ के तो जाएं। तो मेरा ये निवेदन है कि जिसने अच्छे तरीके से रिवीजन कर लिया है तो वो एक बार फिजिक्स और केमिस्ट्री खास करके इनकी एनसीईआरटी को एक बार और दोहरा ले। इलेक्ट्रोस्टैटिक से काफ़ी सवाल आते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के एनसीईआरटी के चैप्टर्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक, मैग्नेटिज्म, इन चीज़ों को एक बार और एनसीईआरटी से रिवाइज कर लेना तो आपका काफ़ी फायदा होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुनिए, मैं ऐसी बातें बताऊंगा इस वीडियो में जो कि आपको बहुत ही सूक्ष्म लगेंगी, बट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा रखती हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आपके आखिरी मोमेंट पे। आपके आखिरी मोमेंट पे सबसे ज़्यादा खास, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा वाइटल चीज़ जो होती है वो आपका कॉन्फिडेंस होता है। अगर आपका कॉन्फिडेंस गया तो आप ख़त्म, वहीं कुछ नहीं हो सकता आपका। और अगर आपका कॉन्फिडेंस बरकरार है तो भले ही आपको इतना कुछ ना आता हो, बट एक कॉन्फिडेंस जो है आपको कुछ एक्स्ट्रा नंबर दिला ही देता है कि हाँ, आपको अंदर से भरोसा रहता है ना, ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। आपका कॉन्फिडेंस नहीं गिरना चाहिए इन 10 दिनों में। तो उस कॉन्फिडेंस को, उस उम्मीद को, उस आशा को बरकरार रखने के लिए कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आप कर सकते हैं जो कि हम इस वीडियो में बात करेंगे, आप बिल्कुल जान पाएंगे, लेकिन अपने कॉन्फिडेंस को कभी डाउन नहीं करना है। देखिए, सिंपल सी बात है कि अगर आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो फिर आपसे नहीं होगा एडवांस, आप भी जानते हैं और हर बच्चे जानते हैं। मेन कंपटीशन होता है पहले के कुछ 50,000 बच्चों में, क्योंकि वो ढंग से एडवांस की तैयारी करने में लगे हुए होते हैं। अगर उनका कॉन्फिडेंस गिर गया ना, क्योंकि वो तैयारी तो ढंग से कर रहे होते हैं, लास्ट टाइम पर अगर कॉन्फिडेंस गिर गया तो आपकी रैंक आपके हाथ से फिसल जाती है। इसलिए अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए जो भी छोटी छोटी सूक्ष्म चीज़ें हो सकती हैं, जो आपको लगता है हाँ यार ये बहुत ही आसान है और मैं कर सकता हूँ, तो आप बिल्कुल ट्राई करें। कुछ बातें मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात कि अभी कोई भी दोस्तों से बात ना करें इन 10 दिनों में। ऐसा होता ना कि दोस्तों से कई बार बात करते टाइम आप इन्फीरियर महसूस करते हैं कि यार मेरे को तो कुछ आता नहीं है, मैं कैसे करूँगा, उसे भी ज़्यादा आता है। तो इस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को कम करने के लिए आप जड़ी हटा दीजिए, 10 दिनों के लिए किसी भी फ्रेंड से बात ना करें। अपने आप को संभालें, सिर्फ अपने आप पे कॉन्सेंट्रेट करें। आपकी खुद की जर्नी है ये, आपको खुद को पेपर लिखना है। एक और महत्वपूर्ण बात, आप सॉफ्ट सॉन्ग सुन सकते हैं या फिर सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग भी सुन सकते हैं, जैसे कोई फ्लूट म्यूजिक हो गया, इस तरीके के म्यूजिक सुन सकते हैं। आपको कोई भी ऐसा बॉलीवुड सॉन्ग जो नॉनसेंस लिरिक्स से जो बना हुआ है, उस तरीके गाने सुनने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो आपका टाइम बर्बाद ही करेंगे, आपको डिस्ट्रैक्ट भी करेंगे, बट आपको सॉन्ग्स सुनने ही हैं तो आप सॉफ्ट सॉन्ग्स सुन सकते हैं। सॉन्ग्स अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट भी कर सकते हैं। आप जानते ही होंगे कि जब युद्ध जब चालू होते थे तो सबसे पहले नगाड़े बजाए जाते थे, तो वो जो गूज बम्स पैदा कर देते हैं, ऐसे सॉन्ग्स भी हैं, ऐसी रिदम्स भी हैं, ऐसी ट्यून्स भी हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी हैं। तो सॉन्ग देखिए, जो नगाड़े होते थे उस समय, वो आप आदमी को अपनी जान देने तक मजबूर कर देते थे। तो सॉन्ग्स का महत्व तो है, गाने आपको गूज़बम्प्स भी दिला सकते हैं और आपको डिस्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो अपने जो गाने हैं उन्हें संभाल के चूज़ करिएगा। एक इम्पोर्टेंट बात कि जब आप कोई गाना सुने ना, तो उसकी वीडियो बिल्कुल ना देखिए। वीडियो देखने से तो आप तो बिल्कुल ही डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, आपको आपका दिमाग ही बिल्कुल फिर जाएगा। ये बातों को ध्यान रखें। एक खास बात कि जो आप
पढ़ रहे हैं ना, तो एक बात ध्यान रखिए कि जब आप पढ़े ना तो वो पेपर की टाइमिंग्स में ही पढ़े। जैसे कि पेपर 9 से 12 होता है, फिर 1 घंटे का रेस्ट होता है, फिर 1 से 4 होता है। इस तरीके से आप अगर पढ़ाई प्रेफर करें तो काफ़ी अच्छा होगा। तो रिदम एक बन जाएगी कि उस समय पर आपकी पढ़ाई ही चल रही होगी, तो आपको ध्यान लगाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, है ना। और जो ब्रेक के टाइम पर है ना खाना, ब्रेक के टाइम पे जो खाना है ना वो बहुत ही कम खाइएगा, पानी ही पी लीजिए ब्रेक के बाद। लास्ट में कुछ दिनों तक बस ब्रेकफास्ट और डिनर पे गुजारा करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि खाने के बाद जो है दोपहर में नींद आती है और नींद से फिर कंसंट्रेशन बहुत डाउन हो जाता है, उससे आपका काफ़ी नुकसान होगा। इसलिए पहले पेपर के बाद का जो ब्रेक होता है उसमें बहुत ही लाइट भोजन करिएगा। लिक्विड ले सकते हैं, जैसे कि नारियल पानी हो गया या फिर कोई जूस हो गया, इस तरीके के चीज़ें आप ले सकते हैं, बट ज़्यादा भारी हैवी खाना ना खाएं उस समय पर। मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि कॉन्फिडेंस आपकी मात्र एक ऐसी पूंजी है जो आपको शिखर पे ले जा सकती है, अगर आपने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करी है तो। हमारे बैच में एक बच्चा था जो कि पहले पेपर के बाद इतना घबरा गया था, इतना घबरा गया था कि उसके आंसू आ गए थे कि नहीं, मुझे नहीं देना दूसरा पेपर, मेरे बस की नहीं है दूसरा पेपर। फिर हमारे टीचर ने उसे समझाया कि भाई देखे आ जाए, नहीं होगा तो नहीं होगा, अपने को कोई नहीं। जब वो देखे आया ना तो उसकी ऑल इंडिया रैंक रिजल्ट में आई थी 1000। तो ऐसे इतने अच्छे अच्छे बच्चे भी घबरा जाते हैं, तो कॉन्फिडेंस का तो काफ़ी महत्व है। आपको डरना नहीं है किसी भी पेपर से। एक क्वेश्चन नहीं आया, लीव इट, दूसरा भी नहीं आया, लीव इट, पहले 5 नहीं आए, लीव इट। लेकिन अगर आप घबरा गए ना उन 5ों में ही, तो बस खत्म है खेल। ये पेपर का डिज़ाइन इस तरीके से होता है कि आपको थोड़ा सा घबराहट महसूस हो सकती है, बट आप अगर डटे रहे तो आपका रास्ता साफ होता चला जाएगा। जय हिंद, तैयारी करिए अच्छे से। उम्मीद है आप अच्छा पेपर करके आएंगे। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।